केंद्र की मोदी सरकार ने एक ही झटके में आम जनता को एक राहत की खबर दे दी, लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने पलटकर जो जवाब दिया है वो स्वाद के साथ किसी सियासत से कम नहीं है। सरकार ने ऐलान किया कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद खुद तय करें कि सर्विस चार्ज देना है या नहीं, लेकिन कुछ ही घंटों में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस पर पानी फेर दिया। सरकार ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट मालिक सर्विस चार्ज लेने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के अधूरे फैसले से होटल और ग्राहकों के बीच झगड़े की आशंका थोड़ी बढ़ सी गई है। दरअसल सर्विस चार्ज एक तरह से टिप का नाम है, वो आपकी मर्जी पर है कि आप होटल या रेस्टोरेंट वालों को दें या नहीं दें, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ग्राहकों से यह चार्ज वसूल ही लिया जाता है, वो भी 5 से लेकर 20% तक। खैर, सरकार ने ग्राहकों को स्पष्ट कर दिया कि कोई आपकी मर्जी के उलट सर्विस चार्ज वसूलता है तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। इधर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करोगे तो सर्विस चार्ज देना ही होगा। अब चार्ज के नाम पर ग्राहकों के गले में रस्सी टंगी हुई है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।